झलक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का अवाल पड़ा। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर स्थित झलक में स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल पड़ा है। यहां पर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर व स्टाफ की तैनाती न होने के चलते सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपको बता दें, दुर्घटना या अन्य गंभीर केस के मरीज पहुँचते हैं इलाज के लिए तो इलाज न करके अन्यत्र अस्पताल में रेफर करने के लिए कहा जाता है। स्वास्थ्य केंद्र हेतु नए भवन तो बन गया, पर सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्टाफ की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण लोगों को समुचित इलाज नसीब नहीं हो रहा और 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य केंद्र के खुला रहने की दावा फिसड्डी साबित हो रहा है। समीर सलूजा है, मैं झलप ग्राम पंचायत में पंच के रूप में पदस्थ हूँ। और वैसे तो देखा जाए तो झलप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत पुराना है, लेकिन सुविधा के नाम से देखा जाए तो उतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए थी। सन 1973 से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन देखा जाए तो MBBS डॉक्टर की कमी लगातार बनी हुई है और हाईवे से लगे होने के कारण और जंगल क्षेत्र में देखा जाए तो मौसमी बीमारी और यहाँ तक कि मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है जंगल के क्षेत्रों में, तो निश्चित ही यहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर रेगुलर पदस्थ रहें या हमारे शासन से अपेक्षा रखते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ की सुविधा को उन्नतर करके CSC किया जाए। जी, मेरा नाम निर्भय सिंह नायक है, मैं यहीं झलप से लगा हुआ गांव ढाक कर रहने वाला हूँ। मैं अभी मैं भाजपा में जिला मंत्री हूँ किसान मोर्चा में। विगत समय से मैं देख रहे हैं कि हम लोग इसके पहले ये 5 साल के पहले जब ये भवन निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले यहाँ पे उनका उपचार किया जाता था और इसके विषय में हम लोग लंबा समय से चर्चा भी किए, ऊपर तक बात भी किए थे। उस समय तो यहाँ बेड की कमी है, डॉक्टर की कमी है करके, उस समय कांबड़े जी करके रहते 3 दिन और 3 दिन हमारे डॉक्टर राय जी रहते थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद वो हमारे वो पटेल सर करके आए हुए हैं, सुभाष पटेल करके, वो भी शायद MBBS नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शायद 3-4 महीना 6 महीना हुआ है वो कंवर मैडम करके है, वो भी क्या बोलते हैं वो इसमें आई हुई है, वो क्या बोलते हैं सर, व्यवस्था में आई हुई है। 1-2 महीने के बाद वो भी चली जाएगी, फिर वैसी स्थिति रहेगा यहाँ का। और जब हमारी सरकार थी भाजपा की, उस समय हमने भवन का मांग किया तो भवन हम लोग यहाँ पे बनवाएं और 10 बेड को 16 बेड का स्थिति में ला के हम लोग छुड़वाए हैं यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर का स्थिति वही है। और इस क्षेत्र में लगभग बहुत सारे गांव आते हैं। झलप हॉस्पिटल के आसपास अंतर्गत देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया है और हमारे लिए स्वास्थ्य यहाँ से अपने तुम गाँव में ले गए, नहीं तो सीधा हमें महासमुंद भी रिफर सेंटर बनी गया था। मेडिकल कॉलेज हुआ भाजपा के सरकार के द्वारा बनाया गया मोदी जी ने, मेडिकल कॉलेज के बाद में भी मैं कल परसों गया था मेडिकल कॉलेज, वहाँ बनने के बाद वहाँ का पंखा मंखा साफ़ सफाई की स्थिति दयनीय है, जैसी यहाँ भी स्थिति है। अभी मैं टॉयलेट तरफ गया था, मैं महिलाएँ का जहाँ पे जच्चा बच्चा के जहाँ पे प्रसव होता है उसके बाद उन लोग नहाने धोने की व्यवस्था है, वहाँ पे बड़ा बड़ा चीटी मिट्टी पूरा घूम रहे हैं। इसका मतलब है साफ़ सफाई की वहाँ कमी है, पंखा मंखा लगा है, स्टाफ टाइम पे आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ जब भी अपन किसी से चर्चा करते हैं तो बोलते हैं कि स्टाफ तो है पर्याप्त, अपन बात करते हैं तो अधिकारी से, लेकिन स्टाफ यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं गायब रहते हैं कोई ना कोई काम से, ये चीज़ हमेशा देखा जाता है। और हम लोग उस समय बात भी किए थे जब डॉक्टर राय जी थे, तो उस समय बात किए थे कि यहाँ एक्सरे का व्यवस्था होना चाहिए, सोनोग्राफी होना चाहिए करके, तो बोले कि अभी एक्सरे और सोनोग्राफी यहाँ तुम गाँव में आने वाला, तो आप पुराने एक्सरे को हम लोग यहाँ शिफ्ट करा देंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं है। अब 5 साल में सिर्फ भवन बना है, 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक कुछ किया नहीं है, सिर्फ अपने जो भी काम किए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र और शिक्षा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है। अभी हमारा सरकार 3 साल हुआ है, लगभग 3-4 महीना हुआ है। अब हम लोग इसके प्रति हम लोग आप लोग हम जानकारी भी दिए और थोड़ा सी जानकारी आप लोग बढ़िया बैठ की यहाँ पे जानकारी निकाले और हमसे थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। हम लोग भी लगातार कंटिन्यू हम लोग पहुँच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थिति उतना सुधार नहीं है जितना सुधार होना चाहिए, क्योंकि बड़ा लंबा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सरे सोनोग्राफी सब चीज़ व्यवस्था है।
और यहाँ वो चीज़ नगण्य है, यहाँ पे कहीं दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, सिर्फ ब्लड टेस्ट किया और रिफर सेंटर बन गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यही चीज़ कहना चाहूँगा।